तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं और मैंने सब काम अपना निपटा लिया मॉर्निंग का। तो दोपहर के लिए भी मैंने एक वेजिटेबल बना दी थी और आटा लगा दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे रोटी नहीं, सा चावल, दाल चावल नहीं खाने हैं। तो मैं भी दाल चावल कम ही खाती हूँ। तो आज हम रोटी सब्जी खाने वाले हैं, लेकिन अचानक मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं आपके घर आ रही हूँ आज अभी दोपहर को। तो अभी उनके लिए मैं कुछ स्पेशल तैयारी करने जा रही हूँ। तो गेस्ट आ रहे हैं तो लंच भी स्पेशल होना चाहिए ना। तो बस अभी फटाफट निकाल लिए किचन में मैंने अपने अस्त्र शस्त्र, और सैलड वगैरह मैंने छिलके रख दिया है। तो हस्बैंड को भेजा है कुछ बाहर से सामान मंगवाने के लिए, अभी वो लेके आते हैं, फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। और मैक्सिमम क्या बनता है जब कोई गेस्ट आते हैं तो तो चावल चढ़ा दिए मैंने, आटा लगा हुआ था सुबह से। तो पनीर लेने गए हैं, पनीर बनाऊंगी, एक दाल बनाऊंगी, एक तो सब्जी और बनाऊंगी। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड आ रही है। तो मैं कैसी लग रही, जानू को आ रही है नींद, जानू सो गया है क्योंकि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ जाता है। तभी उसकी 1 बजे क्लास भी है, कॉलेज भी जाएगा 1 बजे। तब तक थोड़ी रेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको कोल्ड वगैरह हो गया है। अभी है ये पनीर हो रहा है फ्राई, बाकी कढ़ाई में डाला हुआ है धीरे धीरे। इधर दूसरी सब्जी का मसाला बन रहा है। और आज हमारे घर में आई है ब्रोकली, तो ये भी बनेगी। इतना बड़ा है ये, रखते हैं यहाँ पर। बहुत ही दिन के बाद आज हमारे घर में बन रहा है चिकन। तो वाह, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। और इधर दूसरी सब्जी के लिए मसाला बन रहा है, रेडी हो रहा है। बहुत पुराना और सबसे नया, पुराना भी और सब मेरे लिए सबसे नया। ये देखिए 18 साल पुराना डिनर सेट, ये है मेरी शादी का, जिसमें हमने कभी खाना नहीं खाया है, कभी खोला नहीं। अभी मैंने बताया था ना, कुछ दिन पहले मैंने घर की साफ सफाई की थी, तो मुझे अंदर से मिला अपने बड़े वाले ट्रंक से। और अभी मैं इसको खोल रही हूँ, सोच रही हूँ कि आज अपने फ्रेंड्स को इसी में खाना खिलाऊं। क्योंकि पहले तो मेरे घर में डिनर सेट बहुत है, आपको साथ मैंने पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन आज मैं खास डिनर सेट निकाल रही हूँ अपनी शादी वाला। ये देखो, ये इसकी प्लेट्स हैं और ये मुझे गिफ्ट में मिला था, गिफ्ट में भी मेरे सहेलियों ने दिया है। सहेलियों का नाम है किरण, अंजू, रमा, एक फ्रेंड सपना। तो आज मैं निकाल रही हूँ फाइनली पूरा, देखती हूँ चेक करके, एक हाथ से नहीं बन पा रहा। गाइज, मेरी फ्रेंड्स आके चली गई है और मेरे लिए लाई है बहुत सारा सामान खाने पीने के लिए। तो आइए आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या लाई है, क्योंकि हम लोग बातों में इतने व्यस्त हो गए थे, इतने इतने कि वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, भूल ही गए हम लोग। तो क्या कहते हैं, उनकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई। और आइए आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई मेरे लिए। फ्रूट्स मेरे लिए, ये फ्रूट्स लेके आई, और सबसे स्पेशल चीज ये देने आई थी मेरे को, मथुरा के पेड़े, ये मथुरा के पेड़े लेके आई थी वो स्पेशल मेरे को, खास मेरे को वो मथुरा के पेड़े देने आई थी। करने के लिए गई थी कान्हा जी को, और
मैं तो मथुरा पहले ही 3 साल रह के आई हूँ। मथुरा से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है मथुरा। तो मैं जब गई थी मथुरा, मैं रही थी 3 साल, तब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन कान्हा जी का बुलावा आएगा तो तब हम फिर जाएंगे वहाँ पर। बहुत मन करता मथुरा जाने के लिए, और मेरी सहेली गई थी अनु वहाँ पर, तो ये एक हफ्ता रुक के आई, फिर वहाँ से पेड़े वगैरह लेके आई, वो मेरे को देने के लिए आई हुई थी पेड़े, तो बहुत अच्छा लगा। आई अंश और अनु आए थे दोनों, उनका बेटा भी आया हुआ था, लेकिन चले गए अभी घर में। तो मेरा जो बाकी बचा कुचा काम था वो मैं कर रही हूँ अपना। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, और पीछे चल रहा है मेरा प्लास्टर, मिस्त्री कर रहे हैं अपना काम, तभी मैंने मिस्त्रियों को चाय वगैरह दे दी है। तो डोर पता नहीं कौन जा रहा है, जोर जोर से देखती हूँ। तो ये देखो हमारे पीछे हो रहा है प्लास्टर घर को, बहुत हाइट पे जा रहा है। ये देखो ये पीछे उस तरफ हो गया है, अभी सुबह से बेचारे इसको सेटिंग करने के लिए लगे हुए थे, अभी तक नहीं हुई है। मेरे को लग रहा है कल का दिन भी पूरा ये डंडे वंडे बांस वगैरह सेट करेंगे। फिर ये पीछे वाली दीवार है हमारी, नीचे तो पहला बना हुआ था, कितना हाइट पे दे देखो, सपनों से भी सुंदर स्वर्ग हमारा। डाले हुए हैं सुनने के लिए पीछे से, अभी यहाँ से इस डंडे के अंदर से निकल के जाऊंगी मैं। मैं आ गई हूँ घर के अंदर, ये देखिए इतने सारे कपड़े आज धुलाई दिए हुए हैं, सब मैंने धुलाई दिए हैं। बहुत देखो आपको एक चीज दिखाती हूँ, कैसे खेल रही है नानी। नानी क्या कर रही है, खेल रही है नोनी। जब इधर आई थी तब छोटी सी थी, अभी बड़ी हो गई है। मेरे को लग रहा है भागने लग जाएगी। जब भाग, ये आया है मेरे मायके से, और ये वहीं से कट करके आया है, ये इस पन्नी में भेजा है, धुला हुआ था फिर से, मैंने फिर एक बार धुल लिया, और जे चढ़ गया मेरा कुकर, साग भर के बना रही हूँ मैं। और ये भेजा है मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने, मेरी भाभी ने, जानवी ने, और कट करके मुझे भेजा है। ऐसे माँ बाप बड़े नसीबों से मिलते हैं, और ख़ास करके मेरी बहन अन्नू, जो मुझसे बहुत प्यार करती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। और भी बहुत कुछ सामान आया है, बहुत कुछ भेजा है। क्या भेजा है, अचारी मिर्ची भेजी है उसने, वो मोटी मोटी मिर्ची रहती है ना, वो भी भेजी है, अचार डाल के घर की गार्डन की मूली तोड़ के भेजी है, बहुत सारा सामान भेजा है। तो मेरे हस्बैंड गए थे ना उस तरफ, तो बैग भर के सामान डाल दिया। अभी मैंने वैसे एक वेजिटेबल बना ली थी, लेकिन अभी सरसों का साग भेज दिया कट करके, अभी मैं इसको अच्छे से बॉईल करके और पंजाबी तड़का लगा के फिर मजे से खाऊंगी। तो बाकी भी धुल के डाल लेती हूँ गैस कुकर के अंदर। सरसों का साग हमें बहुत ज्यादा पसंद है, वो लाइट चली गई है, अभी लाइट नहीं है। आज बथुआ हम, मेरी बहन ने भेजा सरसों का साग पालक, और बथुआ हम खुद लेके आए हैं अपने गार्डन से तोड़ के, हमारे गार्डन में बहुत बथुआ हुआ था, आज हम तोड़ के लाए हैं। तो ये देखो फ्रेश बथुआ, ये साबुत है, अभी मैंने इसको पहले साबुत धुल लिया, अभी इसको मैं कट करूंगी। ये हमारे गार्डन का बथुआ है,
आज मॉर्निंग में मैंने चुन लिया था। डालूंगी साग में मैं इतना सा पीस काट के, हरी मिर्ची डालूंगी और क्या डालूंगी, लहसुन।